और मेरे भाई, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस कंपाइलर के बारे में। आज हम देखेंगे कि कैसे आप GNU का जी प्लस प्लस कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हो, और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम बना के भी देखेंगे। इसके 3 स्टेप होंगे ट्यूटोरियल के। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हमें पाथ डायरेक्टरी में कुछ सेटिंग करनी होती है वो करेंगे, फिर उसके बाद हम एक सैम्पल प्रोग्राम बनाएंगे और उसे रन करके देखेंगे। जी प्लस प्लस इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मिन जी डब्ल्यू। आप बस गूगल पर टाइप करिए मिन जी डब्ल्यू, और एक वेबसाइट आएगी मिन जी डब्ल्यू डॉट org। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे हम लोग। इस वेबसाइट पर ओपन करने के बाद कुछ ऐसी खुलेगी, और यहाँ राइट साइड में डाउनलोड्स का एक टैब है। डाउनलोड्स के टैब पे हम जैसे क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ से एक फाइल डाउनलोड होगी। उस फाइल को डाउनलोड करके हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड का बटन होगा, जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, अब इस फाइल पर क्लिक करेंगे ताकि ये ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे हमें इंस्टॉल का एक बटन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये डायरेक्टरी है, ये बाद में हमें काम आएगी, /minjw, ये हमें बाद में काम आएगी। फिलहाल मैं इसे यही रहने देता हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये कुछ इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगी यहाँ पे। इंस्टॉलेशन ख़त्म होने के बाद ये कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स पैकेजेस पूछ रहा है मुझे इंस्टॉल करने के लिए। बेसिकली हमें टिक करना होता है इसमें। तो अगर हमें जी प्लस प्लस यानी कि सी प्लस प्लस की कंपाइलिंग करनी है, उसके लिए हमें ये द GNU सी प्लस प्लस कंपाइलर, इसे हमें इंस्टॉल करना होता है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। तो देखिए आप, ये मार्क हो गया इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये वाला जो पैकेज है, ये तो हमें इंस्टॉल करना ही करना। आप चाहो तो बाकी सारे पैकेज भी इंस्टॉल कर सकते हो। पैकेज सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन पे जाना है, और उसके बाद अप्लाई चेंजेस। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फिर उस पर अप्लाई बटन होगा। फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक प्रोसेसिंग चलेगी। क्लोज करने के बाद मैं जाऊंगा कमांड प्रो, CMD टाइप करेंगे। अब यहाँ पे टाइप करते हैं जी प्लस प्लस, और फिर एंटर। एंटर करते ही ये दिखा रहा है जी प्लस प्लस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी पाथ डायरेक्टरी सेट नहीं किया है। तो देखते हैं उसे कैसे सेट करना है। पहले हम जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में, उसके बाद हमने इंस्टॉल किया था सी ड्राइव में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। सी ड्राइव में मिन जी डब्ल्यू, ये वो है जो हमने अभी इंस्टॉल किया, मिन जी डब्ल्यू सॉफ्ट। इसमें आता है फोल्डर बिन, BIN बिन, इसको ओपन करेंगे। अब इस पाथ को हमें कॉपी करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे बार पे क्लिक करूँगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमें जाना है, विंडो का बटन है उस पर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है सिस्टम। सिस्टम पे जाने के बाद सेटिंग्स खुलेगी, और यहाँ पे आता है एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स राइट हैंड साइड में। इसके बाद हमें जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, पाथ में हमें डायरेक्टरी ऐड करनी है जो कि हमने कॉपी की थी। तो हमें सिंपली यहाँ क्लिक करना है पाथ पे, दिस पाथ। पाथ पे क्लिक करके हमें करना है पहले एडिट, ये सारे पाथ आ जाएंगे। उसके बाद हमें बनाना है न्यू। न्यू अभी ब्लैंक है, यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट जो कि हमने पहले कॉपी किया था। मैं क्लिक करने वाला हूँ ओके, इस वाले पे भी ओके,
और यहाँ पे भी ओके। अब हम चलते हैं वापस कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जी प्लस प्लस। यहाँ पे इस टाइम दूसरा एरर है। ये एरर इसलिए है क्योंकि नो इनपुट फाइल, अभी हमने कोई भी फाइल नहीं बनाई है। इसको चेक करने का एक तरीका हो रहा है, मैं टाइप करूँगा जी प्लस प्लस स्पेस माइनस वर्जन। इससे हमें पता लगता है कि हमें जी हमारे जी प्लस प्लस जो कंपाइलर है उसको वर्जन क्या है। माइनस माइनस VERSION, जैसे मैं एंटर करूँगा इसने मुझे वर्जन दिखा दी, जी प्लस प्लस मेन जी डब्ल्यू 9.2 वर्जन है। तो इसका मतलब हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और उसे देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करना है।